नवी नवी अपडेट्स ले साडा चैनल सब्सक्राइब करो ते अच्छा सुनो घंटी बजाना ना भूलो ताकि थोड़े फोन की भी घंटी बजे हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एम वन देख रहे हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट शो एक तारा बोले में हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ है एक ऐसा सितारा जो जब भी अपनी कोई भी एल्बम या कोई गीत लेकर आपके दिलों पर छा जाते हैं तो हमेशा उनके साथ हमारे इस चैनल पर होती है एक खास मुलाकात और आज उसी के चलते लेकर आए हैं आपका अपना फेवरेट गाना जो आजकल आप सभी पसंद कर रहे हैं ओनली यू जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन शैल की हाय शैल एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आर शो एक तारा बोले शैल सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके इस गाने के बारे में बहुत ही कमाल का म्यूजिक एंड अ सॉन्ग मतलब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जुबान पर चढ़ गया आई थिंक आई मैं जब आ रही थी तो मेरे जुबान पे ही था ओनली यू ओनली यू एंड आई सिंगिंग तो इस गाने के बारे में बताएं आई थिंक इट्स इट्स वेरी सिंपल मेलेडी जो कोशिश की कि बहुत ही इसको सिंपल रखें okay. एक अच्छी मेलेडी जो होती है मेरे गानों में अक्सर और जो फीमेल सिंगर हैं शिखा भाटिया अगेन शी इज वेरी न्यू एंड शी इज़ फ्रॉम बैंगलोर तो बहुत अच्छा उन्होंने गाया साथ में एंड आई डोंट नो आई जस्ट फेल्ट अ वेरी यूनिकनेस इन अ वॉइस जो उनकी आवाज़ जो है वो बहुत नेज़ल एक टच था टोन जो है वॉइस uh, मैं बचपन से नाजिया हसन का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ okay. जो पाकिस्तानी सिंगर है तो एक्चुअली वो तो मुझे कहीं ना कहीं जाके ऐसा फील लगा जब हम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो आई एम रियली हैप्पी विद द टोटल आउटकम ऑफ द सॉन्ग एंड आई होप कि लोग पसंद करते रहें बस शेयर करते थे <laughs> <नहीं>। <laughs> बहुत so, से रोमांटिक गाने शैल के हमने पसंद किए हैं और ये आई थिंक एक बहुत ही नायाब तोहफा है जो सिर्फ एक सोलो सॉन्ग नहीं है बल्कि सॉन्ग है और जिसमें आपने शिखा जी के बारे में बताया तो ये शिखा की आवाज को चुनने में आपको बहुत टाइम लगा या आपको फील <coughs> आया कि जब आपने शिखा की सॉन्ग सुना तो आवाज सुनी तो आपको लगा कि नहीं यार एक सॉन्ग होना चाहिए हाउ इट हैपेंड एक्चुअली इसके पहले हम जब लाइक यू नो हैव अ टीम ऑफ म्यूजिशियंस तो मेरे जो विद्युत गोस्वामी हैं वो काफ़ी टाइम से जुड़े हैं मेरे साथ एक्चुअली वो जो एक टीम बन जाती है ना आर्टिस्ट की तो जैसे होता है कि भाई आप अगर यू नो यू वांट टू ईट समथिंग तो यू स्टार्ट ईटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर यू तो मैं तो जब गाना बना था उस टाइम मेलोडी रेडी हुई तो मैंने कहा विद्यु जी कुछ सिंगर्स का देखो तो ही हेट सेंट मी अराउंड एंड ऑल्सो आई गॉट लॉड ऑफ ऑप्शनग्राम एंड बट देन आई आर नो एंड दिस गर्ल शी नेवर सेंट मी एनी थिंग तो ये एक्चुअली उनके पास एक ऑडियो था विदुजी के पास तो उन्होंने सुनाया मुझे एंड आई लव्ड इट इंस्टेंटली आई लव्ड इट मैंने कहा यही आवाज है इस गाने को जो सूट करेगी okay. क्योंकि हर आर्टिस्ट के अलग आवाज होती है Bet गाने को सूट करना पॉसिबल है आप जेल करिए आपके साथ उनकी साउंड उनकी वॉइस बहुत ही खूबसूरत लगी है थैंक यू आई होप सो इट्स ऑलरेडी अ हिट नहीं नहीं बस अभी ब, आई थिंक यू नो पीपल आर लाइकिंग इट मेन वो होता है यू नो लाइक बिकॉज आई हाई बीन सिंगिंग फॉर सो लॉन्ग नाउ मतलब मेरे लिए कभी राही नहीं एक्चुअली ही में जब आया था मैं कुछ जल्दी बता रहा हूँ उस टाइम भी जब लोगों ने इतना पसंद किया आज भी करते हैं तो मैं सोचता हूँ आप पसंद कर रहे हो अच्छी बात है मुझे नंबर से कभी कुछ हुआ ही नहीं एक्चुअली इवन यूनिवर्सल यूज़ टू टेल मी कि यू नो द सॉन्ग इज़ डूइंग वेल रिपीट्स आ रहे हैं उस टाइम कसर सीड्ज हुआ करती थी डिस्ट्रीब्यूटर जी पंजाब तो रिपीट आ रहे हैं थे उ मैंने कहा यार चलो तु खुश रहो यू नो सब कुछ ठीक है तो, तो शैल एक ऐसी सिंगर uh, एक ऐसा कलाकार है जो हमेशा रोमांटिक <coughs> गीतों से जुड़कर बहुत से चेंजेस और इनोवेशंस करता आया है जी, so, जी. इस गाने में भी कुछ ऐसी नयाब चीज जो एक शिखा के अलावा सुनने को मिलती है वो क्या है uh, इसमें एक तो इंग्लिश वर्ड है जो हमने यूज़ किया आई वंट से इट्स इट्स अ न्यू थिंग काफ़ी गानों में इंग्लिश वर्ड यूज़ हो रहे हैं बट अगेन uh, एक हुक लाइन थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी लाइक ओनली यू ना हम जो किससे प्यार करते हैं तो इवन लाइक हस्बैंड वाइफ समटाइम्स से कि ओनली यू यू नो आई आई जस्ट लव यू यू नो आई ओनली इट्स ओनली यू यू नो मतलब एक निकल जाता है ओनली वर्ड आता ही है तो आई थिंक इट्स इट्स अ लाइन विच आई फील दैट कि कहीं ना कहीं जाके ये एक uh, मतलब अगर सिंपलीफाई में बोलें इसको तो मतलब कनेक्ट होता है एक आम uh, जनता के साथ जो यंगस्टर्स हैं हैं या कॉलेज गोइंग गोइंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, स्कूल अदरवाइज़ आई थिंक म्यूजिक इज़ नाइस एंड वीडियो अगेन अ हैप्पी वीडियो मतलब अक्सर मेरी वीडियो काफी इमोशनल होती है तो लेकिन इसमें एक हैप्पीनेस है और मजे वाला है इसकी चुअली आई लव मैजिक एंड मैं बचपन से मुझे ना मैंने मैजिक बड़ा पसंद था तो मैं मुझे याद है कि हम लोग मैं लुधियाना में एक्चुअली बॉर्न हूँ तो वहाँ पर मतलब काफ़ी वो जर्मनी सर्कस एक होती थी उस समय रशियन सर्कस काफ़ी आती थी पंजाब में और उस समय तो एनिमल्स भी हुआ करते थे मम्मी के साथ हम जाते थे वहाँ पर तो ना वहाँ मैजिक ट्रिक्स कुछ करते थे कुछ लोग आके तो आई वॉज लाइक वाहली यू नो मसमोराइज विद दैट वंडरफुल मैजिक ट्रिक्स तो बस ऐसे ही एक पता नहीं मन किया कि इस बार कुछ एक नॉट यू नो डू समथिंग विद मैजिक मतलब नो स्पेशल इफेक्ट्स अ सिंपल थिंग कि एक आ, बाबा आते हैं भाई ये कैंडल्स ले लो और तुमने एक मुझे हेल्प की इतनी आधी रात I को एंड एकदम से निकाल के देते हैं तो उनका एक आशीर्वाद है ब्लैसिंग है क्या है वो तो मे बी रेड समथिंग यू ऑन लाइक विद इन सेव दैट कि कुछ ये लड़के के अंदर कुछ चल रहा है दिमाग में तो कुछ मांगेगा ये

के साथ कहीं कही ना कहीं आपकी टीम के साथ भी हमें बॉन्डिंग देखने को मिलती है कि उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है यू नेवर थॉट ऑफ चेंजिंग योर टीम मतलब विद्युत गोस्वामी जी श्याम अनुराग जी सावंत एंड अमरजीत आई मीन ये या। सब आपके एक टीम जी, है जी, एक फैमिली लगती है मुझे सो व्हाई व्हाई यू हैव बीन थॉट ऑफ चेंजिंग इट नहीं ऐसा एक्चुअली नहीं है बीच में मेरे गाना आया था कोका एक पंजाबी गाना सीखा जी तो वो उसके जो म्यूजिक राइटर थे वो थे अपना विदू गोस्वामी लेकिन राइटर थे श्याम बलकार okay. <laughs> तो टीम अलग थी हाँ. वो अपने बॉम्बे में रहते हैं पंजाबी हैं दोनों एंड okay. तो उन्होंने लिखा था कोका बहुत ही प्यारा गाना था वो भी एंड वो मैंने कभी फास्ट गाने इतने करता नहीं हूँ मैं तो ऐसी अच्छी लगी मेलेडी मुझे बट इट अ डिफरेंट सॉन्ग अगेन यू नो एक्चुअली लेकिन मैंने सोचा कि जो लोग जो मेरी फॉलोइंग है ना वो चाहते हैं मुझे लव सॉन्ग्स में ही मे बी आई आई वोट से एम अन मतलब आई एम वेरी लकी लाइक आई यू नो फॉर दैट पीपल लाइक मेलोडीज एंड बैलेट्स लेकिन मैं मन करता है कभी कभी फास्ट गाना भी करूँ लेकिन सोचता हूँ यार अब करूँगा तो ना वो पहुँचते हैं लेकिन ना उतना नहीं मतलब होता है यू नो बिकॉज पीपल हाँ पीपल लाइक मी ओनली दैट लव सॉन्ग जॉयर आई कान चेंज इट नाउ तो एक बन चुका है यू नो इट्स लाइक बट अब उसी में मैं खेल रहा हूँ यू नो तो ये है और आप enjoy भी आई आई लव इट आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉनर क्योंकि फास्ट गाने तो अक्सर क्या है कि थोड़े इजी होते हैं गाने यू नो काफ़ी उसमें डिटिंग भी होती है एंड आजकल तो वो वॉइस में बहुत कुछ ट्रीटमेंट्स होती है बट लव सॉन्ग्स में क्या है कि आपकी रियल वॉइस जो है ना वही सुनने को आती है यू कैन प्ले विद योर वॉइस दैट्स डेट मैं uh, जो मैं सुनता आ रहा हूँ सिंगर्स बचपन से सोनू निगम मेरे फेवरेट हैं एंड जो हमारे पंजाब के हैं जी गुरदास मान तो हैं ही लेजेंड बट अगेन आई ऑल्सो यूज टू लव यू नो हंसराज पा जी मुझे बहुत पसंद उनका गाना मुझे एक्चुअली मेरी इंस्परेशन रही थी ही के पहले मेरा फर्स्ट लव सॉन्ग तो जब मैंने सुना था दैट ये जो सिली सिले ऑन दे तो उसमें ना एक बहुत ही एक रियलिटी थी दैट अर्दी फीलिंग वॉज देर यू नो विच आई लव एंड अभी भी मेरे वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मुझे कुछ गाई लाइने गई तो मेरा फेवरेट गाना है वो एक्चुअली तो वही बस मेलोडीज़ आर समथिंग विच आर डिफिकल्ट उसको अच्छी तरह कंपोज अगर करें तो आई थिंक लोगों तक पहुँचते हैं मैं ये सोचता हूं बिल्कुल और शैल को आजकल लोगों तक पहुंचने का सिर्फ शैल का गीतों का जरिया नहीं है म्यूजिक नहीं है बल्कि आप तो छाए हुए हैं इंस्टा सोशल मीडियाज़ पे भी मैं देख पा रही हूँ मैनी ऑफ योर फैंस हैव सेंट यू रिक्वेस्ट कि आप ये गीत गाइए आप ये गाइए आप नेक्स्ट डे कर आइए हाउ सोशल मीडिया हैज़ अफेक्टेड यू शैल आई मीन इज इट क्या ये आसान हो गया आपके लिए

पड़े, पड़े, कि मैसेज पढ़े ना पढ़े लेकिन यूजली मैं कोशिश करता हूँ कि मैसेज में पढ़ू क्योंकि मैं खुद ही अपना हैंडल करता हूँ सब कुछ तो uh, अच्छे आते हैं मैसेजेस कभी कभी जिसमें म्यूज़िक uh, के लेके पूछते हैं कि आपका ही गाना अच्छा था आप कुछ नया कुछ और करो कोलैबोरेशन करो किसी के साथ सो आई लिसन टू एवरीबडी बट देन वो होता है ना कि हाँ अगर कुछ अच्छा कुछ हो तो आई विल डेफिनेटली यू नो फॉलो देयर थाट्स आल्सो एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आज की जनरेशन है एंड इट्स वेरी स्पॉन्टेस जो दिल में है वो एकदम से मुंह पर आते हैं वो लिखते हैं बट समाइम इन एडिटिंग ऑल्सो मतलब कभी कभी लगता है कि यू नो दे आर काइंड ऑफ इन्वेडिंग योर प्राइवेसी टू अवॉइड टू मच ऑल्सो गेटिंग इन टू यू नो बींग ऑनलाइन ऑन इंस्टॉल समथिंग ठीक है वंस एन अवाइल कुछ पोस्ट कर दिया एंड यू हैव टू भी एक्टिव बट यार यू हैव टी देर बहुत सी बातें हैं जो हमें शैल के साथ करनी है जाननी है उनके और भी थॉट्स और उनके इस गाने से जुड़े बहुत से एक्सपीरियंसेस पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपके अपने शो एक तारा बोले में ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो एक तारा बोले में और आज हमारे साथ हैं आपके अपने शैल शैल हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बातचीत और हम बात कर रहे थे आपके गीत ओनली यू के बारे में और अब हम जानना चाहेंगे कि जब आप रोमांटिक गीतों को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आजकल कमर्शलाइजेशन का टाइम है और हर एक सिंगर चाहता है कि मैं अपने शोज करूं मेरा गाना जो है वो पब्स में पार्टीज में शोज़ पे मैं परफॉर्म कर सकूं जी, तो जी। पेपी नंबर्स को पसंद करते हैं यू हैवन थॉट अबाउट दैट कभी भी आप जब रोमांटिक बनाते हो तो कभी मन में आया ऐसा कि एक्चुअली um, you know, uh, जब मैं शोज़ भी करता हूँ पीछे मेरे भी कुछ uh, शोज है डेली में कॉलेज में एंड दे लव लव सॉन्ग्स एंड यूजली लेकिन हाँ एक फ़ास्ट उनको पता है देखो वो तभी बुला रहे हैं मुझे बिकॉज दे वर्ड माई सॉन्ग्स एंड दिनों की लव सॉन्ग्स गाते हैं लेकिन हाँ एंड में एक uh, डांस का चाहिए यू नो मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स को और जितने भी जो लोग होते हैं जैसे आपने बात की शोज में So uh, uh, मेडली प्लान करते हैं हम लोग okay. जिसमें हम लोग पुराने दिले पाजी के गाने होते हैं okay. दर्दी रब रब मेरा फेवरेट गा पक्ष है फिर बड़ो तारा रोक तो, तो वही गालू दर्दी रब <laughs> <लो, laughs> चलो हो जाए बट वो काफी हाई अभी मैं थोड़ा नीचे अपने नॉमल में गा लूंगा right, <laughs> मैं 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 रब 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 वे भी लो मजा आता है इन गानों में ना एक्चुअली ये मेरे बचपन के गाने आई वॉज स्टिल ग्रोइंग अप लिस्ट दिज सॉ एंड बिकॉज द पाजी आई यू सिंगिंग फॉर लॉन्ग टाइम ऑल्सो एंड नाइन्टी फाइव में आई थिंक एल्बम्स एंड उस टाइम तो आई वॉज इन आई थिंक ट्वेल्थ या आई रिमेंबर सो वी टू ऑल ऑल डांस यू नो इन पार्टीज तो मज़ा आता था स्टॉल <laughs> मेमोरीज की तरफ अगर हम आपको लेके चलें तो हाउ uh, म्यूजिक आपको कैसे पता लगा कि मैं सिर्फ म्यूजिक के लिए ही बनाऊँ एंड माय लाइफ इज डेडिकेटेड टू इट वो कब आपको पता लगा मुझे एक्चुअली ना बचपन से बहुत शौक था मैं सिंगिंग नहीं करता था मुझे डांस का बहुत शौक था और स्कूल में भी आई वाज इन न्यू कॉलेज अजमेर बोर्डिंग स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई है तो uh, सात साल वहीं थे तो उसमें काफ़ी वो uh, कोकुल एक्टिविटीज़ में स्कूल में ड्रामाज में सो आई यू टू पार्टिसिपेट एंड उस टाइम इन नो प्लेज वगैरह में एक्ट करना मतलब आई यू शू लव द कैमरा आई आई टू ऑलवेज लव द कैमरा आई लव द स्टेज एक्चुअली तो सिंगिंग का फिर ये हुआ शुरू की uh, अंदर था मतलब एक कीड़ा था सिंगिंग का <laughs> लेकिन फिर वो मालूम चला कि एक्चुअली वेन आई मूव बैक आफ्टर माई एजुकेशन मैं जब वापस आया दिल्ली एंड दैट टाइम वी मूव्ड टू दिल्ली विद द फैमिली एंड तो पता नहीं फिर मैं कुछ गाने सुनने लग गया था एंड लगा मुझे वाई नॉट यू नो मैं गाता रहता हूँ तो कोशिश कर लेते हैं तो दे मेट बिडू एक म्यूज़िक uh, कम्पोजर थे मेड इन इंडिया उन्होंने यू नो अलीशा के साथ एल्बम uh, बनाई थी तो उनको मिला लंडन में मैं एंड वहाँ पर उन्होंने बोला कि यू नो तेरी आवाज़ ना जहेब की तरह मिलती है एंड तो मैंने कहा देट अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कहते दो स्टूडियो आ जा सुबह तो मैं चले गया स्टूडियो है मुझे तो पता भी ना स्टूडियो में देखा भी नहीं जिंदगी में कभी मेरे हाथ कांप रहे थे पैर के बिड्डू इतना बड़ा यू नो कंपोजर मुझे बुला रहे हैं तो उन्होंने बोला कोई भी गाना जो तुम्हारा मनपसंद का है आ, उनकी एल्बम का गा लो तो मैंने एक गाना जाना मेरा फेवरेट गाना था तो वो मैंने एक गा ली मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे कैन्स मतलब हेडफोन्स पहने थे तो आवाज़ ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इन द स्टूडियो मैं जब गा रहा हूँ तो एक् आ रहा है मैंने कहा बिडू समथिंग इज़ रॉन्ग विद मै हेडफोन नहीं 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 वो ऐसे ही है जस्ट सेंग रिलैक्स तो मैंने गा लिया सो दैट्स हाउ द जर्नी started एक्चुअली फिर ऑब्वियसली ट्रेनिंग भी ज़रूरी थी आवाज़ की तो एक बहुत अच्छे प्यारे गुरु जी मुझे मिले जम्मू है, से हैं श्री मंजीत सिंह दिल्ली में रहते हैं अभी तो उन्होंने मुझे बहुत कम समय में बहुत कुछ सिखाया एंड आई थिंक हिज़ ब्लेसिंग्स एंड हिज़ यू नो एडवाइस वॉज अ लॉट फॉर मीड मुझे अभी भी याद है जब हीरे बन के आया था तो मैंने सबसे पहले उनसे शेयर किया था कहते यार वो अंतरे में ना एक पार्ट तो और अच्छा गा सकता था मैंने कहा लेकिन गुरु जी इज लविंग मतलब गाना तो अच्छा है कहते नहीं वो अभी चेंज कर सकते हो मैंने कहा नहीं अब तो वो ऑलरेडी एडिट हो चुका है अब मैं कैसे करूँ कहते लेकिन ना वो पार्ट ना उसमें एक मुरखी ना वो लगती ना अगर मध्यम की तो और मज़ा आता है मैंने चलो अगली बार अगले गाने में कर लेंगे दैट इज़ द इंस्परेशन मतलब कि उन्होंने बारिकियाँ पता हाँ मतलब वो इतनी अच्छी बात थी वो चाहते तो मुझे बोलते कि नहीं बहुत अच्छा है ये लेकिन एज अ गुरु एज अ शिष्य उन्होंने मतलब स्टूडेंट की तरह मुझे बताया आज भी मैं बात करता हूँ उनसे तो हमेशा बोलते रहते हैं हाँ ठीक है अच्छा गा रहे हो आ, मतलब ज्यादा चढ़ने आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है ठीक है mm -hmm. और अच्छा कर सकते हो तो आई लव दैट दैट इज अ गुरु गुरुस ब्लेसिंग्स नहीं ऑफ so, कोर्स और कहीं कही ना कहीं जब ऐसे गुरु आपको मिल जाते हैं तो जी, आप जी. के जो होता है सक्सेस बहुत करीब होता है एंड वो आज हमें देखने को मिल ही रहा है ये एग्जांपल सो शेल Uh, अभी तक के आपके जो फेवरेट सिंगर्स हैं मान जी हंस जी ये तो मैं जान गई लेकिन और इसके अलावा आप कौन से जॉनर के गीत सुनना पसंद करते हैं आपके पर्सनल फेवरेट गाना hmm. अलग है बट आपके पर्सनल फेवरेट कौन से आई लिसन टू ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स मुझे पंजाबी मेलेडीज बहुत पसंद है आई एम पंजाबी सो तो है ही खून में तो है ही और बाकी बट सिंपल पंजाबी मतलब अच्छी ठेठ मैं समझ में नहीं आ थी hmm. तो मतलब uh, फोक मुझे आई लव द फोक सॉन्ग्स लेकिन जो मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट अंडरस्टैंड कि वर्ड्स क्या हैं सो सिंपल पंजाबी जैसे आई थिंक यू नो पीपल लाइक हरभजन मानो दे सॉन्ग वेरी सिम्पल पंजाबी एंड इवन आई वुड से जस्सी जस्सी जिनका वो था कुी कुड़ी एंड एक गुजरात है तो uh, ऐसे एंड माय फेवरेट्स आर सोनू निगम आई लव हिंदी सॉन्ग्स कोर्स एंड किशोर ओके अभी बहुत ट्रेंड आ चुका है हर जे. सिंगर अगर हम पंजाब सेक्टर की बात करें या हम बॉलीवुड की भी बात करें तो हर सिंगर एक्टर बन जाता है हर एक्टर सिंगर बन जाता है जे, जे. About Has he thought about I, कि मैं acting कर... <clears throat> ना अभी मैं uh, acting का क्या है कि काफ़ी लोग से पूछते हैं uh, बोलते हैं कि इन पर कुछ वीडियोज़ में तो एक्टिंग करते हैं तो अभी क्या है कि अभी काफ़ी ओपन जॉनर्स हो गए मेरे लिए जैसे अभी नेटफ्लिक्स आ गया है अमेजोन आ, आ गया है इनो जी ने भी शुरू कर दिया अपना सो so, नेटफ्लिक्स uh, में कुछ हम लोग बातचीत कर रहे हैं एज अ फॉर नेटफ्लिक्स फिल्म एंड एक स्क्रिप्ट आई है मेरे पास बहुत प्यारी इट्स अ हॉरर स्टोरी अ वेरी नाइस रोमांटिक हॉरर फिल्म विच विल बी शॉर्ट्स सम पार्ट्स इन कैनेडा एंड सम पार्ट्स इन इंडिया सो आई लेट्स सी आई होपरी एवरीथिंग गोज़ वेल तो आई वुड लव टू डू इट

अक्सर जो मेरे गाने हैं ना वो डायरेक्टर ये सोचते हैं कि मैं भी सोचता हूँ कि उन गानों को मैं ही इमोट कर पाऊँगा okay. क्योंकि पता नहीं मैं जब स्टूडियो में भी गाता हूँ अपने गाने सो आई आई हैव दिस स्टोरी जो दिमाग में घूम रही होती है अब जैसे uh, हीरे के टाइम भी एक स्टोरी थी एक पीछे अर्जी आया था मेरा गाना पंजाबी गाना उसमें भी एक uh, स्टोरी चल रही थी और दिल दी -दि दुआ आया था तो बहुत चीज़ें ना तो आई फील दैट जो मैं कर पाऊँगा वो चाहे मे बी इफ आई गेट लिटिल मोर ओल्डर यू नो थोड़ा मतलब चल पर ना चाहे तो चलो किसी यंग मॉडल किसी तरह कर दो तो उस टाइम देखते हैं तो अभी तो चल रहा है यार आई <laughs> उस टाइम पे फिर आपकी कोई शॉर्ट स्टोरी आई एक्चुअली एंजॉय द कैमरा यू नो आई आई लव आई लव कमिंग यू नो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई आई लव इट तो मुझे शौक है एक्चुअली ओके <laughs> okay, so, uh, अब हम बात करते हैं कि आपके शौक भी है आपका प्रोफेशन भी है दैट इज़ योर सिंगिंग लेकिन इसके अलावा भी शैल के पर्सनल लाइफ है उसका एक बिजनेस है तो आप ये सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं आपका स्केड्यूल कैसा रहता है या इज़ दैट कि आपने महीने में इतने दिन इसको देना है इतना हाउ यू मैनेज एक्चुअली यू नो जो मैनेज होता है एवरीबडी कैन डू इट मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते बिजनेस um, भी बहुत सारे सिंगर्स हैं हैंटर्स इनकी प्रोडक्शन कंपनीज भी हैं

वेलकम बैक फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपके अपने शो एक तारा बोले में और हमारे साथ हैं आपके अपने फेवरेट सिंगर शैल सो so, शैल हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बातचीत और मैं अब जानना चाहूँगी uh, कि एक आपने अभी ब्रेक से पहले बातचीत की थी अबाउट सीरीज एंड अबाउट सिंगल्स एक टाइम मैंने देखा है शैल वन आई हैव सीन कि आपकी सीरीज़ पूरी सोल्ड आउट होती थी और हम जाते थे स्टोर पे हमें फिर भी वो सीडी नहीं मिल पाती थी oh really? अब okay. अब ये आ, आलम हो चुका <laughs> है कि इट्स बीन सो इजी कि आपको अगर गाना सुनना है तो आपने अपना फेवरेट ट्रैक आपने bilkul. अपने फोन पे लगाया और और सुना सो हाउ इट 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 इज इज गुड बैड आई थिंक मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि, uh, कि अच्छा है mm -hmm. मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आज की डेट में ना आप एक क्रिएटर हो पहले आपको क्या था कि म्यूजिक कंपनी के पीछे भागना पड़ता था कि भाई उनके लिए उनके पास जाके साइन करो अभी भी करते हैं आर्टिस्ट ठीक है बट uh, अभी वो uh, जैसे आपका ख़ुद का चैनल है यूट्यूब है आपका सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास फेसबुक है इंस्टाग्राम है ट्विटर है एंड यूट्यूब पेज यू ऑल्सो आप जब कंटेंट uh, आपका रिलीज़ होता है मोटाइज होती है वीडियोज़ एंड दे पे यू तो आई फील दैट कि इट इज़ वेरी गुड फॉर एन आर्टिस्ट नाउ मतलब उसमें कोई अब सी डी कसेट्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन का झंझट ही नहीं है आप खुद ही अपने साथ अब मैं अपने गाने लॉन्च करता हूँ जी मेरे पास तो मैं खुद ही करता हूँ सब कुछ नो आई हैव माई ओन टीम और आई टी मैं खुद लॉन्च करता हूँ जो भी मतलब hain है liye to, you know. so, uh, to acha hai but bahut zyada competition ho raha hai aisa feel aata hai aapko kabhi कभी nee, main aapko सची bata raha hu ki aajkal तो mere paas itne मैसेज aate hain naye naye singers ke जो मुझे लिंक्स शेयर करते हैं बिकॉज आजकल सबके पास यूट्यूब चैनल है सब ने अपने यूट्यूब में कुछ ना कुछ डाला हुआ है शेयर करते रहते हैं मेरे पास टैग कर दिया यू नो लाइक सोशल प्लेटफॉर्म्स में एंड एंड आई ऑल्सो लिसन टू आई लव इट सम पीछे uh, मैं आपको शेयर uh, 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 कर रहा हूँ आपसे एक uh, लड़की है फ्रॉम राजस्थान कोटा सो यू नो शी हैज़ अ वेरी वेस्टनाइज्ड वॉइस इन सिंगिंग सो शी मैंशन मी वन ऑफ स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम एंड शी सेंड मी अ सॉन्ग ऑफ वन ऑफ माई सॉन्ग्स कॉल्ड Uh, एक पंजाबी गाना अर्जी मेरा आया था तो कुछ लाइनें उसकी गाई और उसने इतना अच्छा गाया उसको पंजाबी आती भी नहीं है बट स्टिल शी संग इन पंजाबी दैट्स अ टैलेंट एंड यू नो आई टोल्ड टोल्डर योर चैनल तो आप कंटेंट बिकॉज सिर्फ शेयरिंग का जमाना है वो अलग दौर था उस टाइम सीडी कैसेट्स थी उस टाइम डिस्ट्रीब्यूटर्स हाँ। उस टाइम पे एक एल्बम के एक गाना पसंद होने पे भी आपको छः सात गाने सुनने पड़ते थे और आपको पता है उस टाइम ना पायरेसी बहुत होती थी कैसेट सीडीज की अभी वो अभी क्या अभी मैं बोलूंगा कि अब पायरेसी क्या है कि मुझे अफेक्ट नहीं करती क्योंकि मेरा क्या है कि अगर लोग गाना पसंद कर रहे हैं तो वो डाउनलोड करके सुन रहे हैं राइट यूट्यूब right? में देखेंगे एंड ऑफ द डे दे हैव टू कम ऑन यूट्यूब एंड सी द द होल सॉन्ग बिकॉज टी वी चैनल है वेरी आई वुड से स्मॉल मीडियम नाउ इट्स मोर फॉर यंगस्टर्स इज मोर ऑफ यूट्यूब एंड यू नो लाइक वॉचिंग एंड इवन लिसन टू म्यूजिक इज यूट्यूब सो या आई एम दे वॉच वीडियोज़ और वहाँ से जितने वो देखेंगे उतना रेवेन्यू यू नो मोनेटाइज है तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म आई आई फील इट्स नाइस सो शैल आज भी टेलीविजन देखते हैं बहुत कम, <laughs> बहुत कम बहुत कम बहुत कम एंड व्हाट अबाउट एमएच1 एमएच1 डेफिनेटली हां मेरी इंटरव्यू आगे जरूर देखूंगा वैसे <laughs> भी देखता हूं मैं वैसे भी देखता हूं बिल्कुल देखता हूं आई लव टू तो uh, अगर हम अभी बात करें जब आपके पास फ्री टाइम होता है जो बहुत ही मुश्किल होगा कभी कि कोई एक दिन आपको ऐसा मिल जाए कि बिल्कुल फ्री है शैल के पास नहीं नहीं मेरे पास बहुत फ्री टाइम होता है ऐसा कुछ भी नहीं तो है मैं भी एक नॉर्मल इंसान अ वेरी होम लविंग पर्सन मुझे okay. ज़्यादा सोशलाइज पसंद नहीं है और मैं एक्चुअली आई लिव इन सिंगापुर वहाँ पर भी आई हैव माई ऑफिस आई गो फॉर वर्क आई कम बैक माई लाइफ इज़ वेरी बोरिंग बट अगेन आई लव इट यू नो एंड आई हैव टू लवली चिल्ड्रेन एंड अभी बड़े हो गए नाउ माई डॉटर शी सिक्सटीन बेटा पंद्रह का हो जाएगा अभी सून नाउ सो आईम हैप्पी यू नो मतलब लुकिंग एंड यू नो सीन देम ग्रोइंग अप टू बी वंडरफुल अडल्ट इन गुड ह्यूमन बींग्स बोलते रहते हैं कि पापा लेस गो आउट मैं कहता नहीं यार घर ही ठीक है मेरे लिए आई एन्जॉय यू नो वॉचिंग माई मूवीज म्यूजिक एट होम शुरू से ऐसा रहा मेरे साथ okay. शुरू से या एंड हाउ यू टेक केयर ऑफ योर से आज अगर हम शेल की बात करें तो शेल का स्टाइल क्या है मैं जी बिल्कुल पंजाबी हूँ आई एम आईम हाँ आई एम प्योर वेजिटेरियन एक्चुअली तो घर का खाना घर uh, का खाना मुझे बहुत पसंद है बट येस एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई लव वर्किंग आउट एंड आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग दैट इज़ वॉट यू नो हेल्प्स यू मैं ये सोचता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार हम यार डाइट कर लेते हैं यू नो वेट मेरा बढ़ गया है. नहीं मैं सोचता हूँ कि आप डाइट मत करो वो आपकी हेल्थ को और ख़राब करेगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज सब कुछ खाओ लिमिट में खाओ करो थिंग इतने रोमांटिक गाने आपने निकाले हैं और अभी भी आगे भी दर्नी स्टिल ऑन मोर म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय यू बहुत सारा कुछ हमें सुनने को मिलने वाला है आज की जो यूथ है क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ इन गानों को पसंद करता है उनके लिए आज की डेट में रोमांस या प्यार क्या रह गया है आई थिंक इट्स कम्प्लीटली इट्स आई सॉरी टू से लेकिन मैं सोचता हूँ कि है ही नहीं मतलब जो इमोशंस थे जो एक कनेक्टिविटी uh, थी जो uh, एक ना अपनापन जो था वो है ही नहीं आज की जनरेशन अभी थोड़ा गैप आ चुका uh, है आज काफ़ी काफ़ी गैप है क्योंकि ना बिकॉज द होल वर्ल्ड इज चेंज डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हो गया स्मार्टफोन्स जब से आ गए हैं तो टाइम किसी के पास नहीं है सब मोबाइल में लगे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे आईपैड्स लेके बैठे हुए हैं मैं सोचता हूँ कभी कभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम लंच में बैठते हैं डिनर बैठते हैं घर में मैं मेरा फर्स्ट कंडीशन होता है बच्चों के साथ कि योर मोबाइल फ़ोन्स कैन नॉट बी हेयर ऑन द टेबल यू नो टॉक टू मी लेट्स टॉक ऑन द टेबल मैं अपने फ़ोन को वहाँ एक दिन गलती से मेरा फ़ोन रह गया तो मैं समझता पापा आज तो फोन रखा है मैंने कहा वो गलती से मैंने उसको उल्टा कर दिया फोन मैंने कहा आई कॉन्ट सी द दोटिफिकेशन वरी तो यू नो आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट पहले ज़माने में कनेक्शन था मतलब ओल्ड स्कूल यू नो लाइक उस उस टाइम में कनेक्शन था लोगों में प्यार था बिकॉज आई रिम्बर ट्रंक कॉल्स बुक होती थी जब हम मेो में था मैं बोर्डिंग स्कूल में हम लाइन में खड़ा होते थे एससी डी बूथ हुआ करते थे पेजर्स हुआ करते थे बट आजकल सब कुछ यार सब बैठे बैठे सब सुन रहे हैं बट इमोशंस अभी भी हैं क्योंकि अभी जो यंग uh, जनरेशन uh, है जो मेरे गाने जो फॉलो कर रहे हैं uh, है, कुछ दौर तक हैं लेकिन आई वुड से ओनली टेन परसेंट नो बट नाइनटी परसेंटेज क्या सलाह आप देना चाहेंगे उन्हें यार मैं कौन हूँ सलाह देने वाला I think उनके पेरेंट्स ही बहुत हैं वो इस लेते हैं अपने बच्चों को मैं मैं ये कि अच्छे मैं गाने जो गाता हूं, बस उसमें एक रियलिटी होती है मेरी वीडियोस में। उससे ही कि सीख लो यार मतलब हाँ, और stay away from mobile phones, क्योंकि जितनी कोशिश हो सके <coughs> आपके अगर आस आपके दोस्त हैं तो आप उनसे हाँ, मिलकर मतलब, बातचीत करें राधा दैन के आप फोन यूज कर रहे हैं हाँ, अब हम फिर से आ जाते हैं आपके ओनली यू गाने के बारे में क्योंकि मेरे को अभी क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे ये गीत सुनना है तो मैं चाहूंगी कि इसकी दो लाइंस अगर आप सुना सके हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी सो आई स्टार्ट माय फेवरेट वर्स ऑफ भोली अदा से तू जब मुस्कुराए मस्ती में पे दिल सब कुछ लुटाए मेरी आंखों में तू ओनली यू मेरी सांसों में तू ओनली यू जी थैंक यू ऑफ कोर्स ये गीत में कहीं ना कहीं कुछ कही, तो खिंचा है अभी भी कहीं कैंडल जल रही है क्या आई डोंट नो थोड़ा लाइट्स है एक्चुअली सो <laughs> uh, so, uh, कितना आप इसके लिए कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट्स अपनी टीम को देने बनते हैं तो कितना क्रेडिट कितनी परसेंटेज आप सोचते हो कि विद्युत को मिलनी चाहिए कितनी परसेंटेज वीडियोग्राफर्स को मिलने चाहिए कैसे आप इसको डिविजन में डाले आई थिंक मैं सची बताऊँ नाइन्टी परसेंट आई एम ओनली सिंगिंग एक्चुअली इट्स वो भी मतलब टफ होता है ऑब्वियसली आप रिहर्सल्स uh, करते हैं एंड uh, लेकिन उनकी बहुत मेहनत होती है इवन जब मैं शोज भी करता हूँ ट अबाउट म्यूजिक सो म्यूजिशियंस जो होते हैं हम जब मैं यू नो लाइक वन आई ट्रैवल टू इंडिया और समथिंग हमारी जब बातचीत चल रही होती है तो हम लोग फोन में डिस्कस कर लेते हैं कि ये है ऐसे है और ही पूरा रिहर्सल कर रहे होते हैं नो बिकॉज इज दे हार्ड वर्क बिकॉज दे हैव टू प्ले ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स बट या एज ए सिंगिंग ऑल्सो यू हैव टू यू नो बीन सिंक विद द म्यूजिशियंस एंड इवन विद योर सॉन्ग्स क्रेडिट तो मैं कंप्लीटली उनको दूंगा मतलब आई थिंक टीम वर्क तो है लेकिन हार्ड वर्क बहुत होता है उनका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है यू नो बिकॉज दैट इज़ अ मेन क्रिएटिविटी गाना तो वो लोग बना के लेके आते हैं नो यू नो आप तो गा रहे हो अगर मैं बोलूँगा यार चलो हाँ कुछ गाने मैंने भी कंपोज़ किए हैं जो एक मेलेडीज़ होती हैं जो आप आपके दिमाग में दिल में होती हैं कि आप यू नो शेयर करो अपने राइटर के साथ और उनको बताइए कि भाई ऐसी एक आपके दिल में एक मेलेडी आई है बट जो उस मेलेडी को आगे जो लेके जाना है

आज हम बैठे हैं इंटरव्यू करें देखो आज बिहाइंड द कैमरा इतने टैलेंटेड कैमरा मैन खड़े हैं जो हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं अब उनकी क्रिएटिविटी है वो मतलब अगर हम बोलेंगे कि भाई नहीं सब हमारी क्रिएटिविटी है दैट इज अ कम्पलीटली फॉल्स स्टेटमेंट नोट आई थिंक आज जो है आपसे बात करके ऐसा महसूस हुआ फिर से मतलब इतनी बार हम बात कर चुके हैं मिल जी, चुके जी. हैं लेकिन हर बार एक नया एक्सपीरियंस मिलता है एंड ऑफ कोर्स मोबाइल फोन शायद ये चीज़ हमें ना प्रोवाइड कर सके जो आज आपके साथ रूबरू होकर हमने बात करी है no, no, और हमारे you. दर्शकों को भी उम्मीद है कि ये इंटरव्यू उतना ही पसंद आया होगा बहुत मजा आया थैंक यू सो मच थैंक और आपको बहुत-बहुत बधाई -बहुत आपके इस गाने के thank लिए थैंक यू फॉर बीइंग अ हिट थैंक यू आई होप यू नो पीपल शुड लव इट एंड कीप लविंग इट बस हमारे साथ हैं एक तारा बोले के आज के इस एपिसोड में आप इसी तरह से हमारे एम एच वन चैनल को देखते रहें पसंद करते रहें और ओनली यू सॉन्ग को भी लाइक करते रहें वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का फिर मिलेंगे एम एच वन चैनल पर नमस्कार